मेरे सम्मोहन में रहकर भी इसे अपनी माँ की चिंता है, अभी इसे सबक मिलेगा। देव और हमारी जोड़ी पर स्वयं भोलेनाथ का आशीर्वाद है। मोहिनी, तुम चाहकर भी इसे तोड़ नहीं पाओगी। ये पारो अपने जादू से मेरे सम्मोहन का असर खत्म कर रही है रंभा। चीची, पर ऐसा कौन सा हथियार है इसके पास जो आपके मायावी जादू पर भारी पड़ गया? यार, इन इंसानों का सबसे बड़ा हथियार होता है प्यार, पर ज्यादा वक्त के लिए नहीं। एक बार देव से मेरी शादी हो जाए, इसका किस्सा ही खत्म। छोटी दादी, अपनी माँ के लिए खुद मेहंदी बना लूंगी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये लो, तो तुम है ना अपनी प्यारी माँ के लिए ना खुद ही मेहंदी बना लो। चलो बना। मोहिनी माँ के लिए मैं कौन बनाऊंगी? कैसे हुआ? कितना खून बह रहा है बेटा, कैसे हो गया ये? मैंने मोहिनी माँ के लिए मेहंदी कौन बना रही थी, तो कैटी से हाथ कट गया। जब आपको ये सब करने की क्या जरूरत है? हाँ, कितना खून बह रहा है, हमसे कह देते हम कर देते। हाँ, कोई बात नहीं, हम ना आपके लिए दवाई लेकर आते हैं, हम अभी कुछ लगा देंगे ना तो ठीक हो जाएगा। आप रोना नहीं, रोना नहीं, हम अभी आते हैं। बेटा लाइए, दिखाइए हमें। हे भोलेनाथ, हम जानते हैं बेटा कि आप मोहिनी के वश में, लेकिन हम वादा करते हैं आपसे बच्चा, बहुत जल्द ये सब खत्म हो जाएगा। आप मोहिनी के सम्मोहन से आजाद हो जाएंगी और देव भी। बच्चा सुनिए, आप ना बच्चा कोई दूसरा काम कर लीजिए, ये हम कर लेंगे। थैंक यू आंटी। एक सेकंड। क्या बात है? पीछे क्या छुपा रही है? पीछे कुछ नहीं छुपा रहे, हटो। अच्छा बताओ क्या छुपा रहे? अरे रुको एक मिनट, क्या मतलब है तुम्हारा हम कुछ छुपा रहे? हम कुछ नहीं छुपा रहे, और तुम्हें क्या लेना देना? हाँ लेना देना है हमें। क्या घर में तमाशा तुम करते हो, झेलना हम सबको पड़ता है। एक मिनट रुको जरा, हमने क्या कर दिया तुम्हारे साथ गलत? अगर कुछ किया है तो बताओ क्या किया गलत। क्या गलत किया हमारे साथ, बता दे क्या गलत किया तुमने हमारे। हरीश पांडे, क्या हुआ? शब्द नहीं मिल रहे? हाँ बोलो ना, जुबानी। देखो तुम ना बात को प्लीज घुमाओ मत। रुको, देखो हमारे हाथ कुछ है, देख लो। दूसरा हाथ भी देख लो, लो देखो कुछ दिखा, देख लो। हम कह रहे थे कुछ नहीं है, अब हट, रास्ता छोड़ो। कुछ नहीं छुपा रहे? हाँ तो मेहंदी का कोनी तो है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? और हम छुपा नहीं रहे थे,
हम इसे अलग ले जाके अपने पास रख रहे थे ताकि आज जो बाकी की मेहंदी है ना उसमें मिल ना जाए। अच्छा तुमको बताते हैं, किसी को बताना मत। ये मेहंदी ना हमने स्पेशल ऑर्डर देके बनवाई है, बहुत गहरा निखार आता है इससे, हाथों में ना इतना सुंदर रंग चढ़ता है जो आज तक ना कभी किसी के चढ़ा है और ना ही चढ़ेगा। हमारे सुहाग की मेहंदी। आज मेहंदी मोहिनी की है और तुम चाहती हो कि तुम्हारे हाथों में मेहंदी का गहरा रंग लगे। शर्म नाम की जरा सी भी चीज है तुम्हें? क्या जताना क्या चाहती हो तुम कि तुम्हारा पति तुमसे ज्यादा प्यार करता है और मैं मोहिनी से नहीं? सही कहा, हमारा पति हमसे बहुत प्यार करता है, इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार। मेहंदी मोहिनी की आज, तो ये मेहंदी मोहिनी को लगेगी। इससे अच्छा शगुन और क्या हो सकता है थे कि आज मेहंदी के रस्म वाले दिन तुम्हारे हाथों से हमारे हाथों में मेहंदी रच गई। देव, बहुत सुंदर लग रही है। क्या हुआ? कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं लेकिन आपकी तारीफ में शब्द छोटे पड़ जाते हैं हर बार। मैं नीचे ही आ रही थी। दरअसल मैं आपके साथ कुछ पल अकेले बिताना चाहता था ताकि आपको ये दे सकूं। आज मेरे नाम की मेहंदी इस कौन से लगवाइएगा, अच्छा लगेगा मुझे और मेहंदी का रंग भी गहरा चढ़ेगा। इसी से ही मेहंदी लगवाऊंगी। ठीक है, मैं भी जाके तैयार होता, मिलते हैं फिर नीचे। मोहिनी माँ, मोहिनी माँ। हाँ बेटा, क्या हुआ? मोहिनी माँ, मैंने आपके लिए मेहंदी का कोन बनाया है अपने हाथों से। दिखा। ये क्या हुआ, चोट कैसे आई? मैं अपनी मेहंदी का कोन बना रही थी ना तो कैंची से हाथ कट गया। चलो अब आप नीचे आ जाओ। जाओ। बुलबुल जब मेहंदी तैयार कर रही थी तो वहां पारो थे, हो ना हो ये कुछ ना कुछ चालाकी जरूर करेगी और मेरी रस्म खराब करने के बारे में ये मेरी रस्म खराब करेगी। जी जी, आपने एकदम सही कहा, और सिर्फ इसी कोन के साथ नहीं, पारो ने देव के कोन के साथ भी गड़बड़ की है। ये मेहंदी ना हमने स्पेशल ऑर्डर देके बनवाई है, बहुत गहरा निखार आता है इससे, हाथों में ना इतना सुंदर रंग चढ़ता है जो आज तक ना कभी किसी के चढ़ा है और ना ही चढ़ेगा। जी जी, हो ना हो वो मेहंदी की रस्म में ना कुछ तो बड़ा करने वाली है, हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। कितनी भी कोशिश कर ले रंभा लेकिन इस बार नहीं, जीत तो इस बार मेरी होगी, चाहे वो कितनी भी चालाकी करने की कोशिश क्यों ना करे। अब पारो की चाल का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। मेहंदी की रस्म भी आ गई। हे भोलेनाथ, अगर देव को जल्द ही सब याद ना आया तो अनर्थ हो जाएगा।
जानता हूं कि बार बार बोल रहा हूं, लेकिन क्या करूं कि अब है ही इतनी खूबसूरत कि मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। बहुत सुंदर लग रहे हैं। चलिए आप मेहंदी की रस्म शुरू कीजिए और आप सब लोग गाना बजाना शुरू कीजिए। देखो मोहिनी, हमारे हाथों में देव के नाम की मेहंदी कितनी अच्छी खिल रही है। धीरे धीरे इस मेहंदी का रंग इतना गहरा चढ़ेगा कि तुम चाहे लाख कोशिश कर लो, इसे मिटा नहीं पाओगी। रंग तो चढ़ेगा पारो, लेकिन मेहंदी का नहीं, तुम्हारे रिश्ते की मौत का गाढ़ा लाल रंग चढ़ेगा। मेहंदी तो आज सिर्फ मेरे ही हाथों पर रचेगी। जी जी, उस नागिन को पता भी नहीं है कि आप उसके किए कराए पर पानी फेर चुकी हैं। आज इतनी सुंदर मेहंदी लगाना जितनी आज तक किसी के हाथ पे ना लगाई हो। चौंक के ही ना पारो, तुम कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन आज तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। देव के नाम की मेहंदी लगवाने की भूल जो तुमने की है, अब उसका भुगतान करने का समय आ चुका है। आपकी मेहंदी हो गई क्या? देख सकता हूं क्या मैं? एक शर्त पे, पहले आप अपनी आंखें बंद करिए। ठीक है। आप कोई क्या हुआ? आप ठीक है ना? पता नहीं, बहुत अनईजी फील हो रहा है, खुजली हो रही है। खुजली? शरीर तो कुचला दिया मैंने आपका, क्या करूं? नहीं देव, मुझे कुछ काट रहा है, मुझे बहुत खुजली हो रही है। मिलावट तो हो चुकी है मगर मेहंदी में नहीं, किसी और चीज में। हमें ये रस्म किसी भी कीमत पर रोकनी है, जिसके लिए हमें आप लोगों की मदद की आवश्यकता है। आप हमारे साथ हैं ना? इस शहद का असर तुम्हें छूकर पता तो नहीं चलेगा, मगर जैसे ही तुम इन गहनों को पहनोगी कि थोड़ी देर बाद ऐसा असर पता चलेगा जो तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगी। ठीक हो जाएगा जीजी, मेरी रस्म है आज। होगी आपकी रस्म, होगी जीजी आपकी मेहंदी। आपकी मेहंदी जीजी बर्बाद हो गई। रोहिणी, आपकी मेहंदी तो पूरी तरह से खराब हो गई। जीजी, मोहिनी, मोहिनी सुनिए, अच्छा सुनो ना,
हम क्या पूछ रहे थे कि तुम्हारी दुल्हन तो चली गई, लगता है बहुत परेशान है, हम जाकर मदद कर दे क्या? मेरी मेहंदी की रस्म खराब की है। मैं कब से इंतजार कर रही थी इस दिन का। सबके सामने तूने मेरा तमाशा बनाया। आज जैसे ये शीशा टूटा है ना पारो, तेरे सपनों को भी मैं ऐसे ही चकनाचूर करूंगी। आ गई तुम, हम जानते थे तुम जरूर आओगी। मोहिनी क्या हुआ, खुजली खत्म हुई तुम्हारी या अभी भी है? मेरी मेहंदी खराब करके यहाँ तू अपनी मेहंदी निहार रही है। निहारेंगे ही, देखो इस पर देव का नाम जो लिखा है, देखना हमारी मेहंदी का रंग बहुत अच्छा रचेगा। इस मेहंदी के साथ आज तेरा नामो निशान तक मिटा दूंगी मैं। चाहे जो हो जाए हम इस मेहंदी को मिटने नहीं देंगे। पूरे ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली चुड़ैल हूँ मैं और तूने मुझ पर चीटियां छोड़ी, सबके सामने मेरा मजाक उड़ाया, मसल तो किया तुझे मैं। कोशिश करके देख लो, इस बार मेरी कोशिश कामयाब होकर रहेगी। ये मेरी माया भी जीती है और तेरे लिए एक ही काफी है। हे भोलेनाथ, अब इसे कैसे हराएं? एक बात कान खोलकर सुन लो मोहिनी, आज हमारे हाथों में देव के नाम की मेहंदी है और कल उसके नाम का सिंदूर हमारी मांग में होगा। ये एक सुहागन का वादा है तुमसे और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। करूंगी, देव से शादी तो जरूर करूंगी, ये सिद्ध है मोहिनी की। आज हमारे हाथों में देव के नाम की मेहंदी है और कल उसके नाम का सिंदूर हमारी मांग में होगा। ये एक सुहागन का वादा है तुमसे और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। जीजी खुश हो जाएंगी। हमें बताओ हमारी बेटी कहाँ है मोहिनी? यहाँ है तुम्हारी बेटी। माँ मुझे प्लीज बचाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। अब देव को मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता।
वैसे ही कम उधम बचा रखी है तुमने, जो अब जीजी का शादी का जोड़ा बर्बाद करना चाहती हो। हटो मेरे रास्ते से। रंभा, अभी तक तो बस तुम्हारी जीजी की शादी का जोड़ा खराब हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि हम मोहिनी की शादी भी बर्बाद करते। अगर ऐसा हुआ ना तो जीजी तुझे छोड़ेंगी नहीं, समझी? समझी। हमारे देव से शादी करने का सपना हम कभी पूरा नहीं करने देंगे तुम्हें मोहिनी। जीजी, ये देखिए मैं क्या लाई हूँ, आपकी शादी का जोड़ा। कितना सुंदर है ये रंभा। इसे पहन के जब मैं देव के पास जाऊंगी ना, तो हमारी जोड़ी कितनी सुंदर लगेगी। अच्छा है ना जीजी, आपको पसंद आया ना? हमें बताओ मेरी बेटी कहाँ है मोहिनी? यहाँ है तुम्हारी बेटी। माँ, मुझे प्लीज बचाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। अब देव को मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। हम भी देखते कितनी अच्छी लगती है तुम्हारी जोड़ी। क्या हुआ जीजी, अभी तो आप इतनी खुश थी? क्योंकि तब तुम्हारे पीछे वो नागिन खड़ी थी रंभा, और मैं नहीं चाहती थी कि उसे कुछ भी लगे कि मैं टेंशन में हूँ या फिर मुझसे डर गई। पर जीजी, आप दुल्हन है जीजी, थोड़ी तो चेहरे पे खुशी रखिए, हम हमारी मंजिल के बहुत करीब है। करीब है बहना, रंभा जीते नहीं है। तुम्हें लगता है कि वो नागिन इतनी शांति से बैठेगी और मेरी और देव की शादी होने देगी? मुझे पता है वो कुछ ना कुछ चालबाजी करेगी। नजर और कान खोल कर रखना रंभा। हाँ जीजी। इस बारों को कैसे रोकना है मैं अच्छे से जानती हूँ। बेटा, वो जो इयररिंग हो गया है ना, वो यहाँ है, प्लीज आप वो ढूंढ कर लेके आओगे? आप टेंशन मत लो, मैं अभी ढूंढ के लाऊंगी। बेचारी, इसे पता भी नहीं है कि वो वापस नहीं आएगी। हमें बताओ मेरी बेटी कहाँ है मोहिनी? यहाँ है तुम्हारी बेटी। माँ, मुझे प्लीज बचाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। अब देव को मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। हमें बताओ मेरी बेटी कहाँ है मोहिनी? यहाँ है तुम्हारी बेटी। माँ, मुझे प्लीज बचाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। अब देव को मेरा होने से